दिक्कत है। कह रहे हैं कि भाई जहाँ से टिकट मिल जाए तो वहीं। कहाँ से? यहाँ से लड़ लो ना, फिर आके यहाँ से लड़ लो ना, धसा देंगे नीचे जमीन में, धसा के भेज। अच्छी बात है, इसमें कोई झूठी नहीं है। यदि ये झूठ साबित करते हैं कहाँ का रोड है, भानुमती ने कुणबा जोड़ा। महिलाओं को कमजोर मत समझो, जिस दिन वो अपने पे आएगी ना तो जो बीजेपी सरकार है ना इसका पता भी नहीं। प्रदेश के मुखिया है ना योगी, मुख्यमंत्री बना दो उसको। हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो ना उसको, यहाँ यूपी की क्या जरूरत है उसको, मठ अपने मठ में वापिस जा रहा है। दो साल हो गए, जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है, रोजगार देंगे जीवन बचाएंगे? ऑक्सीजन निधि जीवन क्या बचाएंगे? ऑक्सीजन निधि उन्होंने यूपी का पैसा होर्डिंग में दिल्ली में लगा दिया। इसकी करवा दे टिकट, कितना कर लेगा? और हम चलो चल लीजिए, चलो 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 गुस्सा के काहे चले गए, आ जाओ आ जाओ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो और बागपत की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनीति के गढ़ इस वक्त हम बागपत में मौजूद हैं और तमाम मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है तमाम लोग हैं बागपत के, उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या माहौल दिखाई दे रहा है। तो तमाम लोगों से बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि RLD का हमेशा से यहाँ पर जो है गढ़ रहा है, आसपास के कई विधानसभा है जिसमें RLD के शुरुआत से ही पकड़ रही है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि 5 साल की सरकार भी देखी है और 5 साल के बाद अब क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल योगी जी की सरकार देखी है, महिला है, महिलाओं को लेकर क्या सोच रही है? देखिए, महिलाओं को लेकर मेरी यही सोच है कि ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों लगता? सबसे ज्यादा महिलाओं पे ही मार है। गैस सिलेंडर देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, महिलाओं को अपना एक घर संभालना पड़ता है। आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, कौन खरीद पाएगा? 1000 रुपए का ये करके 1000 रुपए की मजदूरी करता है बेचारा, गरीब औरत है, उसमें कैसे सिलेंडर लेगी वो, आप ही बताइए भाई। महिलाओं को जब ही, तो महिलाएं तो एक परिवार संभालती हैं, जब वहीं से ही नींव हमारी कच्ची रहेगी तो मकान क्या बनाएंगे हम? हमारी नींव अच्छी होनी चाहिए ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए। हम तो जयंत चौधरी जी के पक्के अनुयायी हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा, उनके साथ रहेंगे। जी जी, तो लगता है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, ये बताइए कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि भैया योगी जी काम नहीं कर पाए? काम तो उन्होंने बहुत करे हैं। हाँ। काम तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे करे हैं, सड़कें बनवाई हैं, एक बारिश में सारी बहेगी? अच्छा। सड़क थोड़ी ना थी वो। हाँ। वो तो मिट्टी डाल के उसके ऊपर ना तारकोल डाल दिया, बनगी सड़क। गड्ढा मुक्त सड़क का वादा था 3 महीने जी, गड्ढा मुक्त अब सड़क ही नहीं है। हाँ। वो तो सड़कें तो बराबर में चली गई, बीच में गड्ढे आ गए अब। अच्छा। कौन सी एक सरकार बता रहे बताओ? महिलाओं को देख लो, रोजगार को देख लो आप, है ना, रसोइयों को देख लो आप, है ना, सारे कोई भी व्यापारी है वो खुश नहीं है, तो कैसी सरकार है? अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि इस बार गठबंधन कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखिए, यहाँ पर तो 40 के करीब सीट का है। हाँ। और मेरे ख्याल में लोकदल की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। हाँ। और यहाँ पर मेरे ख्याल में सभी सीटें निकलेंगी उनकी। अच्छा, क्योंकि अब की बार सबने कमर कस ली है, इस सरकार ने इतनी कमर तोड़ दी है किसी, और ज्यादातर है कि किसान की, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ग किसान है, तो किसान ही से ही सबके घर चलते हैं, जब वो ही बेकार हो जाएंगे तो घर कहाँ से चलेंगे? योगी जी 350 पार का वादा कर रहे हैं। योगी जी तो 1000 भी पार कर देंगे। हाँ। भाई वे तो कहना है कि सुबह घंटी लेके बैठ जाएंगे, भाई जी मैं तो पार कर दिए समुंदर। हाँ। उनका क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, आप बताइए क्या लगता है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? फिलहाल 5 साल सरकार के बीते हैं, अब दूसरी बार में क्या माहौल है? 100% बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों लगता है ऐसा? बीजेपी सारा काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया? ये कह रहा है गड्ढे जो है, सड़क है वो गड्ढे में चले गए। देखिए, विपक्ष का तो एक मुद्दा, उसको बोलना है, विपक्ष को तो कसना है उसके ऊपर जो भी उसका तंज होता है। इस सरकार में हर काम हुआ है, कोई काम ऐसा नहीं। कौन कौन से लगते हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भैया ये काम किया है, दोबारा हमारी सरकार बननी चाहिए? अब एक हो तो बताऊं भी, इतने काम है कि मेरे से गिनती नहीं होगी। दो चार, चार पांच बताइए। महिला सुरक्षा, रोड का, बिजली का, पानी का, है जी, आप सुरक्षित है इसका, इसकी सबसे बड़ी गारंटी है। और क्या लोग हैं? हाँ। महिला सुरक्षा की बात करें, कह रहे महिलाएं सुरक्षित है? जी बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ। रात को एक महिला, एक बच्ची का रेप हो जाता है, रात को जला तो सुरक्षित है इनके लिए? तो सुरक्षित ही है, जब अपने घर से कोई बच्ची के साथ ऐसा होगा ना, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब इस ऐसे बच्ची के साथ होता है तो महिला सुरक्षित कहाँ से, आप भी बताओ। क्या मानते गठबंधन की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आ रहे गठबंधन? भाई मैं 400 अच्छा। यहाँ 400 जीत का आ रहे, 3 रहेंगे इनकी। अच्छा। और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और योगी, तीनों आ रहेंगे। कह रहे हैं कि भैया राशन दिया है, फ्री में राशन दिया है, फ्री में काफी कुछ, और अब क्यों नल, जो किसान है उससे आधा जो है वो नलकूपों का बिल माफ करने की। ठीक है,
अब जो है नलकूपों का बिल माफ कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह ने एक अपना घोषणा पत्र जारी करके था कि पिछले बिल हाफ अगले माफ, पिछले माफ अगले हाफ। उसकी तरह से पहले इन्होंने दिखा कर लाए गड़बड़ हो गया। क्यों? हरियाणा में 30 रुपये पावर और यहाँ जो है 185 रुपये पावर। ये कह रहे हैं सच्ची बात है ना? ये सच्ची बात है, इसमें कोई झूठी नहीं है। यदि ये झूठ साबित करते हैं, जैन चौधरी को आपने कॉपी कर लिया ऐसा है? जैन चौधरी को तो शराब है, जहाँ से हारना हो वहीं रेख रहे हैं वो। इसलिए जो बागपत की चतुर्दशा आपने देखी थी आज से 10 साल पहले, आज बागपत में रामराज है। जितने इन्हें जो दहेल है, ये लोग पता क्यों इतने परेशान है? ये बिजली बिल की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले जैन चौधरी ने कहा, उसको बीजेपी ने कॉपी कर दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, कहाँ सी बीजेपी और कहाँ जैन चौधरी, कहाँ की ईटर, कहाँ का रोडा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा? जो लोग अपने पक्ष के बैठने की भी नहीं है, बसाखी का सहारा उनका लेने की कोशिश करी। ये लास्ट मैं आप लोगों को बताऊं, जो इसकी करवा दे डिबेट, केरला कर लेगा और हम चल लीजिए। यहाँ में उठ के चले गए 28 पार्टियां, इनके गठबंधन में भी 28 पार्टियां हैं। यदि और का गठबंधन हो जाए अति इन्हें चलत हो, और इनका गठबंधन हो अति इन्हें कुछ नहीं है। हकीकत यह है, इनके पास ना तो कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नेता, सारे मारे गुस्सा के काहे चले गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो गुस्से में चले गए। हाँ चलिए, एक सेकंड आते हैं। ये भाई एक बात तो बताओ जी, इनके दौरे इतने बड़े बड़े नेता का टिकट कहाँ है? यहाँ बड़ौद का, छपरौली का, किसा वोट दे, चलो मुझे किसा दे, कहाँ है वो एलडी के, कहाँ है किसा दे, टिकट है ही नहीं। वो कह रहे हैं वो एक सेकंड, उन्होंने पास कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा जो सवाल था मेन, उन्होंने कहा कि जो बिजली बिल माफी की बात थी, पहले जैन चौधरी ने कही, इसके बाद बीजेपी ने उसको कॉपी कर दिया। तो उनके पास कॉपी करने का टाइम तो है, इनके पास तो टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। कुछ तो करे, करा तो कुछ ना कुछ किया ही है ना, किया तो अच्छा ही, बुरा तो नहीं किया ना। तो उस बात को सवाल यही उठेगा ना कि भाई 4.5 साल का वक्त जो पीछे था उसमें क्यों नहीं किया? तो ये अगर पहला बोलते तो पहला कर देते हो। हम भिकमंगे नहीं है, ठीक है ना? हम क्षत्रिय कौम से पैदा है, नमक की रोटी खाएगा पूर्ति कर लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी की मारेंगे। ठीक है, बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। क्यों, कहाँ मिला रोजगार? महंगाई की बात हुई थी, कहाँ गई महंगाई? योगी सरकार ने 4.5 लाख युवाओं के पोस्टर लगाए कि भी हमने नौकरी दिया है। किसको मिला बताओ ना, आप हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, बताओ किसको मिला? अगर किसान की बात करें तो 14 दिनों में किसानों का गन्ना बकाया भुगतान की थी बात, कहाँ गई, कहाँ हुआ किसानों का बकाया भुगतान? खाद बीज कितना बढ़ गया, 5 साल से किसानों की याद नहीं आई, रातल पे नहीं उतरा है, 5 सालों से किसानों की याद नहीं आई। जब ये दिखा कि सरकार जा रही तो 25 रुपये गन्ने पे बढ़ा दिए 5 साल में, तेल पे जब पैसे कभी नहीं घटे, अब 12 रुपये घटा दिए थे। जब कच्चा तेल जो है इतना सस्ता था, तेल पेट्रोल डीजल 40 रुपये 50 रुपये होना चाहिए था, 100 रुपये खरीदा। मतलब क्या माना, चुनावी स्टंट है, लेकिन सफल नहीं होगा। जो ये लोग कह रहे कहला हम भूख नंगे नहीं है, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। जो ये कह रहे ना कि राशन हम बांट रहे, राशन फ्री का नहीं चाहिए, रोजगार दो ना, आदमी कमा के खाएगा। रोजगार धरातल पर नहीं उतर पाया, कौन कहता है? 2 साल हो गए, जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है, रोजगार देंगे जीवन बचाएंगे? ऑक्सीजन निधि जीवन क्या बचाएंगे? ऑक्सीजन निधि उन्होंने यूपी का पैसा होर्डिंगों में दिल्ली में लगा दिया, क्या यूपी की सरकार यूपी से पैसा लेकर दिल्ली में लगाएंगे? सारे होर्डिंग लगा के क्या यूपी का दिल्ली का मुख्यमंत्री है क्या? सवाल है ये कह रहे हैं दिल्ली, एक सेकंड, ये कह रहे हैं दिल्ली में जो होर्डिंग लग रहे हैं राशनों के और तमाम वैक्सीनों के, जो भाई योगी जी के भी लग रहे हैं वहां पर पोस्टर, वो क्यों लग रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली में पैसा यूपी को दिल्ली। सवाल पूछ रहे हैं क्या क्या उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली में नहीं रहती? नहीं तो प्रचार दिल्ली तक करेंगे और क्या, कहीं से भी करो, उनका देश है अपना, कहीं भी जा सकते हैं। तो प्रदेश के मुखिया है ना योगी जी, मुख्यमंत्री बना दो उसको। हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो ना उसको, यहाँ यूपी की क्या जरूरत है उसको? मठ अपने मठ में वापिस जा रहा है आपका योगी बाबा है, वे आपके अपने मठ में ही चले जाएंगे वापसी में, आपका यहाँ जरूरत नहीं है उनकी। हमें और भी लोग हैं, तमाम बैठे हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। भाई साहब मेरी तो ये है, भाई साहब जी कह रहे हैं भाजपा के जो उनसे सपोर्टर हैं, ये नु कह रहे भाई राशन मिल गया, राशन ईब तो पहले भी तो दिया होगा, ईब तो प्रधानमंत्री अपने घर ते दे रहा के
प्रधानमंत्री ब्लॉक और भी रहे होंगे, किसी ने बैग में नहीं छंपे अपना पोटू, इनसे पूछ के बता दो एक बार, वो अपने घर तक दे रहे आके। ये कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि भैया राशन से ज्यादा प्रचार है, वो कह रहे हैं राशन से जो ज्यादा प्रचार है, दो दो फोटो लग रहे हैं। दो दो फोटो लग रहे हैं और प्रचार चल रहा है, राशन से ज्यादा तो प्रचार है, तो जरूरी है, क्यों नहीं करेंगे? जब किसी चीज को धराते तो प्रचार करे, खमा खा तो नहीं करे ना, ये भी करे ना, जो कुछ करो ये भी प्रचार करे, जो किया उसको प्रचार करे, खमा खागा तो कोई प्रचार नहीं होता ना। बढ़ेगा, रुको रुको, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे तो उस पर फोटो आए, लोगों को दिक्कत हुई, अब 10 रुपए की नमक की थैली पे फोटो बांट कर अपना प्रचार कर रहे, कहाँ गया वो? अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अखिलेश यादव ने बांटे नहीं बांटे, उधर भी चल रहा है मामला। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन सिर्फ यही है जी भाई, जो यदि व्यक्तिगत प्रधानमंत्री अपने घर से तो दे रहा फोटो दे दो, यदि सरकार दे रही तो उसमें फोटो का क्या उचित है? मेरी बात यानी मान लोगे, हर चीज पर नमक पे उस पर फोटो, वो कह रहे कर रहे इसीलिए दो फोटो लगा रहे, नहीं वो फिर अपने घर से दे रहे, प्रधानमंत्री तो और भी रहे भाई, कांग्रेस ने कर्ज माफ करा था किसी का तो वो मार के दिया था आगे भाई, कांग्रेस ने कर दिया फोटो की दिया था बताओ दिया था आगे, जो फिर बस प्रचार ठीक है। आप बताइए भैया, मैं एक मिनट और है, ईब जैसे सड़कों का बात बता रहे, सड़क बनने से पहले सरकार ने नहीं बनाई सड़क, सड़क बढ़िया ही बनिया उन्हें, टैक्स पहले देना पड़े, ईब में गाड़ी लेके आया टैक्स दिया उसका पहले, सड़क पर घर तक टैक्स ज्यादा हो गया। हाँ जी, तो ये सरकार कोई है फलोप है, इसके तो विरोध में है पूरा, वो यंत्र तो सफाया होना, बागपत से, हाँ बागपत है ना, यूपी से, यूपी से। चलिए भैया आप बताइए। मैं अनिल तोमर बावली, मैं जिला महासचिव हूँ एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का, तो मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, कभी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नंबर, सभी सभी के पास आ रहा हूँ। चलो चलो, मेरा तो ये कहना है कि हमारी कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के निर्देशन में बढ़त की तरफ है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, बीजेपी ये जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये व्यापारी की कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ये कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा। 5 साल में आपने देखी योगी जी की सरकार, 5 साल में लगता है एक आध काम कोई अच्छा लगा हो? कोई काम अच्छा नहीं लगा, जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसको बेचने का काम बीजेपी कर रही है। अच्छा। ये पूरे मीडिया चैनल को भी पता है, पूरे देश को भी पता है। बीजेपी खाली बेचने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी जो पीड़ित है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। एक उन्नाव की घटना आपके सामने, जो पीड़ित परिवार था उनको कैंडिडेट बना के दीदी प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल देश के सामने पेश की है, जो दूसरी पार्टियों ने भी उनका उसको सबक लेकर, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां से अपना कैंडिडेट विड्रॉ करा लिया है। तो ये कांग्रेस का इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना बड़ा उन्होंने प्रियंका दीदी जी ने काम किया कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का होगा, प्रियंका जी का होगा। आप बताइए। मेरा ये कहना है माननीय हमारे MP साहब सतपाल जी ने सड़क बनवाई है, अब बड़ी अच्छा काम किया है, लेकिन उसके दोनों तरफ के नाले में आपके साथ चलता हूँ अभी लेके, सारा पानी आवास विकास मांगता है। अच्छा। यहाँ हमारे 3,000 घर हैं 3200, सब पानी में डूब जाते हैं जब नालियों का पानी यहाँ आता है हमारे घर में। क्या कहना चाहेंगे इनसे? हम ये कहना चाहेंगे उसको, उनको बोलो वो उस सड़क का बंदोबस्त करें, इस सड़क को ठीक बनाए, और इतना पानी उन नालों में खड़ा है, नाले देख लो जाकर। हाँ बताइए। महिलाओं के सम्मान की जब बात हो, आपके याद होगा उन्नाव याद करो, हाथरस याद करो, कहाँ है महिलाओं का सम्मान? आए दिन बलात्कार हो रहे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.5 से 2 गुना अपराध बढ़ गया। वो नारा दे रहा ना महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में नहीं। सेंगर को याद करो ना, कुलदीप सेंगर को, चिमियानंद को याद करो, कहाँ गए, कहाँ हाथरस की घटना चली गई, 4 आदमी उन्हें घटना करी, उसे आधी रात को सरकार ने फुकवा दिया अपने रोकने के लिए। लखी तमाम मुद्दे जो है चुनाव में किसानों पे याद करो, 20 किसानों पे जीप चढ़ा दी टेनी ने, क्या आज तक जो है वो बर्खास्त नहीं करा गया, अपनी बराबर बैठा कर रोटी खुआ रहे। आज दलित की याद आ गई इसे मुख्यमंत्री को, उस समय जब कहाँ गए, उस दलित की बेटी को आधी रात में फुकवा दिया। हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? माहौल फिलहाल चुनाव में खूब गर्मी चल रही है, क्या दिखाई दे रहा है?
माहौल ये है जी, हिंदू मुस्लिम की को लड़ाने की साजिश थी, वो लड़ेंगी तो बीजेपी को घाटा होगा। अच्छा, हाँ साजिश थी। हाँ साजिश थी, मुजफ्फरनगर साजिश थी, वो लोग समझ गए। अगर हमें लड़ा के ये लोग सत्ता में आ गए और हमें कुछ दिया नहीं तो मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो मीट आउट हो गया, अब कुछ नहीं बचा बीजेपी के पास। ठीक है, अब एक बार और चलते हैं महिला के पास। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भैया महिलाओं को जो है वो हमने सम्मान दिया और जहां दोषी पाए गए उस पर कार्रवाई किया, क्या कार्रवाई बीजेपी कह रही है, कहां कार्रवाई की यहां पे बताइए, कौन सी कार्रवाई की। रोज मुझे तो लगता है कि अखबारों में ये मिलता है, आज वहाँ रेप हो गया, आज वहाँ रेप हो गया, छोटी बच्चे का रेप हो गया। ऊपर से इनके ही यहाँ के एक विधायक और सांसद ये कहते हैं जी उसने कपड़े ढंग के नहीं पहने थे, क्या उसे बचपन में आप साड़ी पहनाने शुरू कर दोगे? आप ही बताइए, छोटी बच्चे को कैसे साड़ी पहना दोगे आप, कौन से ढंग के कपड़े पहनाते हो? गांधी ने जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कैसे देख? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखो मैं वैसे कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन महिला होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि एक मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो लड़कियों को कमजोर मत समझो, महिलाओं को कमजोर मत समझो। जिस दिन वो अपने पे आएगी ना तो जो बीजेपी सरकार है ना इसका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई है। सिद्धि साहब भाषण बिल्कुल देंगे जी, महिलाओं का साथ देंगे। महिला क्यों आए हैं इस पार्टी में, इसीलिए आए हैं कि महिला हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर टिकट भी दिया है जो रेप पीड़िता थे उनके परिवार को। जी जी जी, उनको टिकट दिया है और वहाँ पे और हमारे यहाँ पे जो गठबंधन है उनके विपक्ष में कोई खड़ा भी नहीं हुआ हमारी तरफ से, तो उन्हें सम्मान दिया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्या कुछ कहना? मैं जो है उसे पीड़िता को टिकट दिया कांग्रेस ने, तो राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी ने समर्थन जारी कर दिया कि हम कोई कैंडिडेट नहीं वहाँ उतारेंगे। हम जो है इस बात के पीड़ित हैं कि हम रात के 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क के आग नहीं लगाते लड़कियों में। इन्होंने तो रात के 12 बजे की बात करी। अभी योगी जी का इंटरव्यू फिर सुनो, ये कहते हैं हिंदू हैं हम, हिंदू धर्म में 9 बजे के बाद कोई अंत्येष्टि नहीं होती। ये सब कह रहे हैं कि कानून की व्यवस्था वहाँ पे खराब होने वाली थी इसलिए ये सब कुछ किया। ये सब झूठ बोलते हैं, कानून व्यवस्था इनकी है ही नहीं कहीं भी। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की। योगी जी जब इतने बड़े वो हैं नेता हैं तो इनको यहाँ भेज दो, हम चेतावनी देना, यदि दसा के नहीं भेज दिए यहाँ से चपरौली दसा के भेज देंगे, कोई से कोई भेज दो, चाहे मोदी को भेज दो या नरेंद्र मोदी को भेज दो, योगी आदित्यनाथ को भेज दो, भेजते क्यों ना यहाँ से। उधर भी केशव प्रसाद मौर्य भेज दिया था, उधर भी केशव प्रसाद मौर्य भेजा था, भेजो किसी को, अमित शाह को बुला दो और जो यंता चुत गया ना फिर। ये तो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बड़ौद शहर है, बड़ौद शहर में 18,000 राशन कार्ड थे, इन्होंने सारे काट दिए, किसी गरीब को एक को नहीं दे, को कुछ नहीं दे रहे, केवल ये अपना थैला दिखा रहे, नमक में रेत मिला के बेच रहे, राशन पर कुछ नहीं कर रहे है। ये तो आपके बाबा है अपने मठ में वापसी जा रहे हैं, इन्होंने पहले बोला मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से काट के आज जो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री है वो भी मोदी को धन्यवाद कर रहा है टिकट के लिए, उनका मुझे टिकट दे दिया। कह रहे हैं कि भाई जहां से टिकट मिल जाए तो वही कहां से, यहां से लड़ लो ना फिर आके, यहां से लड़ लो ना, धसा देंगे नीचे जमीन में धसा के भेजेंगे। यहां तो केवल एक एक परिवार है चौधरी चरण सिंह, उनके अनुयायी है, यहां और कुछ नहीं है, चौधरी चरण सिंह का गढ़ है, यहीं रहेंगे। चौधरी ये कहे चौधरी चरण सिंह को हम मानने और कर्म भूमि में जी ब्यावे न मन भी करें, 7.5 साल इनकी सब 7 साल होली केंद्र में सरकार चलतू। हाँ। और आज तक इन्होंने उस चौधरी चरण सिंह की समाधि पे एक फूल चढ़ाने का काम नहीं करा। हाँ। ये 7.5 साल नहीं किया, पूछ रहे हैं भाई क्यों नहीं किया, बताइए। नाम योगी मोगी, भाई ये योगी मोदी, ये तो केवल इनके पास के है, कहना सरकार कहीं बन गई 35,000 करोड़ रुपए दे दिए, एक विधायक को तोड़ लिया। इनका काम है वो धन जोड़ सा भी देश था वो आज लोग नहीं आया, इसका सारा झंडा कह रहा भैया श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं। चरण सिंह हमारे पूजनीय है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ बीजेपी 300+ लेगी यूपी में दोबारा। चौधरी चरण सिंह की पत्नी हुई श्रीमती गायत्री देवी, उनके नाम पे एक कॉलोनी का नाम था, बाहर बोर्ड लगा हुआ था गेट पे चौधरी चरण सिंह गायत्री देवी पार्क, उस चेयरमैन ने बीजेपी का चेयरमैन और विधायक होते हुए उस पार्क को तोड़वा दिया, गायत्री देवी पार्क को। ये कहाँ के अनुयायी हैं? पद में राजनीति फिलहाल गर्म है और इस गर्म राजनीति के बीच देखना है कि कौन अपनी सीट निकाल पाता है, कौन अपनी सीट बचा पाता है, या किसकी भी उत्तर प्रदेश में सरकार बननी है। चलेंगे लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर दिखाते रहेंगे, फिलहाल के लिए नमस्कार।